नमस्कार, मैं कबीर, आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूँ हमारे शहर कांगड़ा में। तो आज फिर से चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अब चुनाव नजदीक है। सभी पार्टियां प्रचार में लग चुकी हैं, लेकिन पिछले 5 साल में सरकार ने क्या किया है? जो वादे उन्होंने 2014 में किए थे, उसमें कौन कौन से वादे उन्होंने पूरे किए? सरकार की घोषणाओं का और सरकार के कामों का हम विश्लेषण करेंगे एक नए एक्सपर्ट के साथ। मोदी सरकार ने नोटबंदी का फैसला लेते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। नोटबंदी करने के बाद सरकार ने नोटबंदी के फायदे क्या गिनाए थे, RBI की क्या भूमिका थी, और आज नोटबंदी से हमें नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है, इस सब का विश्लेषण अनिल प्रभु जी कर रहे हैं, जो कि एक आर्थिक मामलों के और बैंकिंग मामलों के एक्सपर्ट हैं। 8 तारीख को जो डिमोनेटाइजेशन का जो कुछ डिक्लेयर किया पंतप्रधान जी ने, तो उसके सिर्फ जो 2.5 घंटे पहले जो कुछ जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग का जो ब्यौरा जो ये बताता है कि रिजर्व बैंक की वहाँ के जो डायरेक्टर्स जो है, वो जो 3 डायरेक्टर्स ने उसको विरोध किया है। कौन से आधार पर विरोध किया था? सरकार का क्या कहना था? सरकार का ये कहना था कि हम जो है ये डिमोनेटाइजेशन 500 के और 1000 के नोट सर्कुलेशन से निकालना चाहते हैं। उसका कारण क्या है? कारण है कि हम ब्लैक मनी को जो है अब उसको अटैक करना चाहते हैं, और काउंटरफिट करेंसी मतलब जाली नोट। और पंतप्रधान भी उसके बाद में अनेक मीटिंगों में, हमारे जो कुछ वित्त मंत्री अनेक मीटिंगों में एक कहते रहे, रिजर्व बैंक ने इसको लिया नहीं, पहले दिन से ही जो है उसको उन्होंने खारिज कर दिया था। ये बात जो है ये ब्लिट्स के माध्यम से आई हुई, जो उन्होंने 2 साल तक छुपाने की कोशिश की, पहली बात। और इसलिए ब्लैक मनी को स्क्वीज आउट करने के लिए उसको नोटबंदी करने की जरूरत है, ये सरकार ने कहा। इसको रिजर्व बैंक के डायरेक्टर्स ने उसको खारिज किया और कहा कि ये बात सही नहीं है। जो कुछ ब्लैक मनी होता है पूरे देश भर में, वो फ्लो में नहीं, वो स्टॉक में है, जैसे कि गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाता है, आपके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता है, और जगह जो इमोवेबल प्रॉपर्टी होती है उसमें इन्वेस्ट किया जाता है, ना कि फ्लो में। और ये बात सच निकली आज। आज करीबन 1.5 साल बाद आपने देखा होगा कि ये टोटल जो करेंसी डिमोनेटाइज की थी, उसके 99.4% टोटल पैसा जो है ये सर्कुलर जो डिमोनेटाइज किया था, वो पैसे आपस सिस्टम में आपस आ चुका, मतलब उसको आपने एक्सचेंज किया, ये मतलब है। जब ये बात मतलब 1.5 साल बाद, 2.5 साल बाद जो आज निकलती है, इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि रिजर्व बैंक को ये पता था कि उन्होंने जो सरकार का जो कुछ रवैया था वो रवैया सही नहीं था। उन्होंने ये भी बात उनको ताकीद दी, इस RTA के इस रिप्लाई से भी पता चलता है, ये ताकीद दी कि भाई आप अगर ये सब काम करोगे तो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एक इफेक्ट जो है ये मेडिकेयर के ऊपर होगा, मेडिकेयर के ऊपर मतलब आपके हॉस्पिटल्स के ऊपर वगैरह होगा, टूरिज्म के ऊपर होगा और इनफॉर्मल सेक्टर्स के ऊपर होगा। ये उन्होंने पहले दिन ही बताया था। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने, सरकार ने उनके जो है सामने आकर देश को एक बड़ा गुमराह किया, और उन्होंने रिजर्व बैंक ने जो कहा वो बताया नहीं, और उन्होंने जो है अपनी जो कुछ बात जो है वो देश के ऊपर थोप दी। परिणाम क्या हो गया? परिणाम ये हो गया कि हजारों लाखों लोगों की नौकरियां चली गई इनफॉर्मल सेक्टर में, जो बड़े पैमाने के ऊपर जो आघात हुआ, ये बताने पे कोशिश करना चाहता हूँ। उनकी दूसरी बात जो ये थी, किसकी सरकार की, कहना ये था कि जो शैडो इकोनॉमी जो वर्ल्ड बैंक ने कहा था 2007 में, शैडो इकोनॉमी करीबन जो है 23.2% ये शैडो इकोनॉमी है, और ये शैडो इकोनॉमी मतलब ये ब्लैक मनी जो है ये जो बड़े पैमाने के ऊपर है, मतलब नियरली 1/4 ऑफ द टोटल GDP ये जो है हमारी ब्लैक है। और इसीलिए उनका मानना यह था कि इसको अगर हमको ठीक करना होगा तो उसको डिमोनेटाइजेशन करने की जरूरत है 500 और 1000 के नोट की। आज वो भी सब चीजें वो सही दिखती नहीं, ये आज हमको हमारे सामने ये आया हुआ है। तो ये 2-3 बातें जो खास करके जो उन्होंने सामने लाई, और काउंटरफिट के बारे में उन्होंने बताया कि काउंटरफिट करेंसी रिजर्व बैंक के एस्टिमेशन के आधार के ऊपर, सरकार के एस्टिमेशन कितना है, ये सिर्फ 400 करोड़ रुपया है। 400 करोड़ रुपया आपको फ्लश आउट करने के लिए 15.5 लाख करोड़ रुपया ये जो आप सिस्टम से बाहर निकाल रहे हो, जिस वजह से बड़े पैमाने के ऊपर जो इनफॉर्मल सेक्टर, मेडिकेयर सेक्टर, अब दोबारा टूरिज्म के ऊपर जो बहुत बड़ा जो आघात होने वाला है, उसको ध्यान रखना चाहिए। वो ध्यान सरकार ने रखा नहीं, अपनी बातों में आगे लेकर चले गए। ये खास करके जो है ये बात हमारे सामने आती है। इससे क्या पता चलता है कि मतलब रिजर्व बैंक को अपने रबर स्टैंप बना दिया, अल्टीमेटली रिजर्व बैंक को जोर जबरदस्ती ये सरकार की बात, ये मोदी की बात उनको माननी पड़ी, और उन्होंने जो है रबर स्टैंप लगा दिया। और एक बात बता रहे कि इसमें जरूरत है कि ये जो मिनट जो है 561 रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड के, ये जो मिनट्स है, ये मिनट्स उर्जित पटेल जी उन्होंने जो है 15 दिसंबर को उन्होंने हस्ताक्षर किए, मतलब 5 हफ्ते बाद।
तुरंत जो कुछ इसके ऊपर हस्ताक्षर करना चाहिए थे उन्होंने किए नहीं और 5 हफ्ते बाद उन्होंने किया। ये भी कई चीजें दिखाई देती है कि किस तरीके से रिजर्व बैंक के अंतर्गत जो है उन लोगों की भी नाराजगी थी, उनके नाराजगी होने के बावजूद भी उन्होंने जो है सरकार की बात मानी, सरकार को उन्होंने जो है मतलब ग्रीन सिग्नल दे दिया और वो ये दबाव के अंतर्गत हुआ है, ये मेरा खुद का मानना है। आरबीआई का जो कहना है या ओपिनियन है उसको बाईपास करके मोदी जी अपने खुद के निर्णय ले सकते हैं क्या? आरबीआई के जो कुछ मानना जो है वो बाईपास करके मोदी ले नहीं सकता है या कोई भी सरकार ले नहीं सकती है। रिजर्व बैंक का जो है एक ऑटोनॉमी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी उसे कितना इंटरेस्ट रखना चाहिए, रिपो रेट कितना रखना चाहिए, कम करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए, वो तय करेगा। मुझे क्या लगता है मेरे राजनीति के लिए क्या सही लगता है क्या सही नहीं लगता है, उस आधार के ऊपर रिजर्व बैंक का निर्णय होता नहीं। इससे यही बात निकलती है कि ये जो बात उन्होंने डिमोनेटाइजेशन की बात की जो उनके ऊपर जो थोपा गया, इसका मतलब ये है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो कुछ हमारे स्टैट्यूटरी बॉडीज है, जैसे कि हमारे रिजर्व बैंक है, जैसे कि हमने पहले सीबीआई के बारे में देखा उधर किस तरीके से उद्धव हस्तक्षेप किया गया, सुप्रीम कोर्ट के जो रोस्टर के संदर्भ में या फिर अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस के बारे में किया, फिर 4 जजेस जिस तरीके से 12 करोड़ ने अपना व्यक्त किया, ये जो हर एक जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होता है या नीति आयोग हो, प्लानिंग कमीशन हो, जिस तरीके से उन लोग या फिर अभी लेटेस्ट जो स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशंस है और जो मोहन ने जिस तरीके से इस्तीफा दे दिया, मतलब जो आम लोगों के दायरे में जो कुछ आना चाहिए, जो अपने हित की अगर बात हो तो आनी चाहिए, अपने हित की बात नहीं हो तो उसको दबाना चाहिए। ये जो बात मोदी की है, जो डिसेंट दबाने की जो बात है, उसी का एक भाग ये रिजर्व बैंक का मामला है, ये मेरा खास के मामला है। अब कहना ही है रिजर्व बैंक का भी जो 1.5 घंटे पहले या तो 2.5 घंटे पहले जिस तरीके से मतलब मीटिंग बुलाना, उनको ये बता रहा कि मैं डिमोनेटाइज करने जा रहा हूँ, टीवी के ऊपर जा रहा हूँ और ये डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, मतलब एक जोर जबरदस्ती के आधार के ऊपर लुटकी जो कुछ एक ऑटोनॉमी है उसको खत्म करके जो सरकार की बात या फिर उसको जो चाहिए वो आगे ले अपनी राजनीति से आगे बढ़ाने के लिए, हमारा जो कुछ इकोनॉमी का इंटरेस्ट है या नहीं, आम जनता का इंटरेस्ट है या नहीं, वो देखने के लिए मोदी तैयार नहीं है। इसमें करीब 100 लोग से ज़्यादा लोग जो क्यों में रहकर ये मर गए, ये भी एक आज की जो सच्चाई है और एक बात वो याद करने की हमको जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम जो लाखों जो कुछ नौकरियां चली गई और आज भी जो हमारा जो इकोनॉमी जो उभर कर आई नहीं है, हमारा जो कुछ आज आम तौर के ऊपर जो जीडीपी जो नीचे जा रहा है या सरकार का जो एक प्रयत्न चल रहा है कि और एक बार इसको जो है रिकास्ट करो जीडीपी को और उसको जो है लोगों को इस तरीके से दिखाओ कि भाई ये सब चीज़ों की वजह से जीडीपी बढ़ रही है, ये बात सच नहीं है। गए महीने की अगर आप आईआईपी देखोगे, इंडस्ट्रियल इंडेक्स आप देखोगे प्रोडक्शन के, उसके और एक बार वो गिरते जा रहे हैं, वो 1.7 तक आ चुका है कई साल से, इस बार और भी गिरते चले। और आरबीआई ने खुद ऑब्जेक्शन उठाया था कि जीडीपी गिर जाएगा, और आरबीआई ने खुद कहा था कि शॉर्ट टर्म के लिए जो है ये तुरंत आपका जो है इसका बड़ा परिणाम होने वाला है। आरबीआई ने ये भी कहा था कि शायद इसकी वजह से 2 चीजों का फायदा हो सकता है और वो 2 चीजों का उन्होंने बताया था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन संदर्भ में और डिजिटलाइजेशन के संदर्भ में, वो भी बात सच निकली नहीं। हमने देखा कि आज करीबन 1.5 साल बाद जो कैश जो है, जो कैश हटकर जो डिजिटल के रास्ते के ऊपर जाना चाहिए था, डिजिटलाइजेशन जरूर बढ़ गया है नो डाउट, लेकिन बड़े पैमाने के और एक बार कैश मार्केट में more than 100% मतलब 104% ये ज्यादा और एक बार मार्केट में आ चुका है। मतलब जो सरकार का जो कुछ कहना था वो पूरा जो है वो खारिज हो चुका है, वो गलत साबित हो चुका है। ये है ना जो रिजर्व बैंक का डिसीजन जो कुछ है वो रिजर्व बैंक का डिसीजन किसने डिक्लेयर करना चाहिए था, ये तो रिजर्व बैंक का डिसीजन है, ठीक है ना। और ये जो बात जो है ये बहुत अहम चीज है और इसीलिए जो रिजर्व बैंक ने जो कुछ सामने आकर बताना चाहिए था वो भी जो है वो रिजर्व बैंक ने किया नहीं, वो सरकार के तरफ से आकर मोदी ने खुद किया, जैसे कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ और ये सरासर गलत था। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि आरबीआई भी जो है वो सरकार की कठपुतली बन गया था। आज 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 कम से कम हम ये कह सकते हैं कि उस समय की डिसीजन मेकिंग में ये उन्होंने रबर स्टैंपिंग किया है, ये इतना मैं जरूर कह सकता हूँ। जनता का इना चैनल को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी दबाएं, जिससे हमारी हर एक वीडियो के बारे में आप लोगों को